सो गाइस, मैं आपका दोस्त ट्रेन लवर अगेन आ चुका है एक और न्यू इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। और भाई, इसमें चला रहे हैं यार हम P7 जो वेब सेवन है, जो मतलब वेब सेवन प्रिंटिंग वाला वेब सेवन जिसमें लिखा है P7। तो भाई इसको हम चला रहे हैं। और भाई इसका रोड नंबर पता नहीं यार, दिखा नहीं मुझे अच्छे से क्या है, 30 कुछ लिखा है, 30205 है। और हमें मिल चुके हैं यहाँ पे गरीब रथ। तो भैया हम चलाते हैं और सिग्नल व्यू से देखते हैं भाई क्या ही ओपी लगी, क्योंकि भाई वेब सेवन है, जो वेब सेवन के साथ तो हर ट्रेन ओपी लगती है। भाई हम अनंतपुर से निकल रहे हैं भाई सोलापुर के लिए, और भाई P7 जो है हमारा क्या ही ओपी लग रहा है, एकदम मज़े दिला रहा है भाई, एकदम मज़े ही, मतलब क्या बताएं, बहुत तगड़े मज़े आने वाले हैं भाई इस वीडियो में। और भाई स्पीड देखो भाई कितनी तेज़ हो गई है भाई तुरंत। भाई P7 के जो पिकअप होता है ना भाई, बहुत एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है इसकी P7 की। और भाई जो ये व्हील साइड से देख लो आप, व्हील साइड से, बोगी साइड से, भाई बोगी साइड से बहुत अच्छी लगती है ट्रेन यार। भाई पटरी देखो जैसे अंदर जा रही है ना, क्या बताएं, एकदम मज़े ही आ रहे एकदम, मतलब क्या होता है। तो भाई साहब यहाँ पे भाई क्या बताएं यार, यहाँ पे कोई लेवल क्रॉसिंग आ रही है, लेवल क्रॉसिंग के बाद भाई स्पीड यार थोड़ा तेज़ करते हैं यार भाई। अगल बगल बिल्डिंग है और ये छोटा सा नाला टाइप का है, अभी पता नहीं नाला है कि नदी है भाई, नदी है भाई ये, और पता नहीं कौन सी नदी है भाई अगल बगल है यार, इतनी चौड़ी कौन सी नदी रहती है यार, आई डोंट नो ब्रो, पता नहीं कौन सी नदी है भाई, तुम लोग बताओ यार, मुझे भी नहीं पता, जिसको जिसको पता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि भाई मुझे तो नहीं पता। और भाई साहब यहाँ पे हम थोड़ा एक और ब्रिज भाई आ गया यार, वही वाली नदी है क्या ये भाई, घूम घूम के नदी आ रही भाई ये तो हमारे सामने बार बार यार, क्या बताएं। कोई बात नहीं, सिग्नल व्यू से देखते हैं भाई। ओ भाई साहब क्या ही स्पीड है भाई, एकदम मज़े ही आ गए भाई, मतलब मज़े ही आ गए भाई, क्या ही स्पीड है भाई, एकदम मज़े ही आ गए। तो भाई ऑर्बिट व्यू में आ जाते हैं और हम सबसे आगे वाले डिब्बे में जाते हैं, मतलब इंजन के सेकंड या थर्ड वाले कोच में चलते हैं, क्योंकि भाई रुक जाओ यार, स्पीड थोड़ी कम कर लें पहले यार, स्पीड लिमिट यार सही करना ज़रूरी है। हाँ तो इंजन के कोच में चलते हैं, इंजन के पास वाले कोच में, हाँ सेकंड कोच में आ गए। और भाई साहब यहाँ पे हम, यहाँ पे कोई ट्रेन है वैम फोर के साथ यहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेस को भाई ऐसे इंजन खींचने लग गए भाई, वैम फोर भाई क्या ही भाई, शताब्दी की बेइज्जती होगी भाई यहाँ पे। कोई बात नहीं भाई, वैम फोर भी अपने ज़माने का एक तगड़ा ही इंजन था, बहुत तगड़ा इंजन था वैम फोर अपने ज़माने का। कोई बात नहीं भाई, वीडियो अच्छी लगी जिसको वीडियो ज़रूर लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो। और भाई जो सब्सक्राइब का बटन है लाल वाला, उसको दबा लो। हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।